नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। संथाल परगना के 6 जिलों में करीब 73% हुई वोटिंग, 31 को काउंटिंग। झारखंड पंचायत चुनाव के अंतिम और चौथे चरण की वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न हुई, कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं आई। संथाल परगना के 6 जिलों में 73% ही वोटिंग हुई है। अब सभी प्रत्याशियों की निगाहें 31 मई 2022 को काउंटिंग पर टिकी है। पूर्वी भारत का सबसे खूबसूरत होगा देवघर एयरपोर्ट, जाने कौन सी खासियत इसे करता है सबसे अलग। श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी हो चुकी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी तरह के टेक्निकल व सिविल वर्क की तैयारी पूरी कर ली है। अथॉरिटी के अनुसार खूबसूरती में देवघर एयरपोर्ट पूर्वोत्तर भारत में सबसे अव्वल होगा। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। एयरपोर्ट के गार्डन का लुक व टर्मिनल का आउटडोर सबसे आकर्षित करता है। टर्मिनल के अंदर आदिवासी नृत्य की कलाकृतियाँ व बाहर में कांवर यात्रा की कलाकृतियाँ है। टर्मिनल के बाहर 30 मीटर का तिरंगा भी लगाया गया है। सोलर पैनल का कार पार्किंग यात्री सुविधा के साथ साथ बिजली भी देवघर एयरपोर्ट को मुहैया कराएगा। गुरुवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार के साथ सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की बैठक में भविष्य में भी देवघर एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ाने पर विचार किया गया। दिल्ली की तर्ज पर बनेगा रांची का एयरपोर्ट, झारखंड सरकार से बातचीत जारी, मिलेगी सारी सुविधाएं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की तर्ज पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। गुरुवार को रांची एयरपोर्ट परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने इस विषय पर चर्चा की। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने चेयरमैन से कहा कि रांची व अन्य प्रमुख शहरों से देवघर के लिए विमान सेवा शीघ्र शुरू की जानी चाहिए, इससे देवघर पहुंचने में लोगों को सुविधा होगी। देवघर में एम्स भी है, इसलिए जरूरी है कि जल्द विमान सेवा शुरू हो। 28 व 29 मई को चलेगी तेज हवा, होगी बारिश। मौसम विभाग के अनुसार 28 व 29 मई को राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने व बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। 27 मई में आकाश में बादल छाए रहे, इसके साथ ही कहीं कहीं ठनका भी गिर सकने की अनुशंसा लगाई गई थी। जून में जारी हो सकता है झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2022। झारखंड में बोर्ड परीक्षा यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाता है। इस साल झारखंड बोर्ड परीक्षा राज्य के 1936 एग्जाम सेंटर पर हुई थी। झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल हुए स्टूडेंट काफ़ी बेसब्री से बोर्ड रिजल्ट 2022 घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। इन दिनों विभिन्न बोर्ड अपने रिजल्ट से जुड़े जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 2022 से जुड़ा नोटिफिकेशन jackresult.com पर अपडेट किया जाएगा। आज होगी झामुमो विधायक दल की बैठक, राज्यसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। झारखंड के राज्यसभा चुनाव में गठबंधन के साझा या कांग्रेस और जेएमएम के अलग अलग प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इस बार साझा प्रत्याशी देने पर अड़ी है। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक कुछ नेताओं के साथ हुई। महेंद्र सिंह धोनी की तरह दिखता है यह पोलिंग अफसर, पंचायत चुनाव के वोटर भी हुए कंफ्यूज। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी भले अपने शहर रांची में हो या ना हो, लेकिन उनकी चर्चा खूब होती रहती है। राज्य में इन दोनों गांव की सरकार चुने जाने की प्रक्रिया यानी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इनमें भी धोनी चर्चा में है, वो भी चुनाव ड्यूटी को लेकर। आप यह सोच रहे होंगे क्या महेंद्र सिंह धोनी IPL में व्यस्त हैं, तो फिर पंचायत चुनाव में उनकी मौजूदगी कैसी है? इसका जवाब यह है कि धोनी की तरह दिखने वाले एक शख्स की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। राजधानी रांची से सटे सिल्ली के लोटा पंचायत में यह शख्स चुनाव कराता दिखा तो लोगों ने इसकी तस्वीर खींच ली। CBI रेड के बाद बोले बंधु तिर्की, पहले भी उपचुनाव से पहले CBI का हुआ इस्तेमाल।
सीबीआई जांच के बाद बंधु तिर्की ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। उपचुनाव से पहले सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तिर्की ने कहा कि कोलेबिरा उपचुनाव के पहले भी रघुवर दास ने सीबीआई चुनाव का इस्तेमाल किया था। वहीं मांडर उपचुनाव की घोषणा होते ही सीबीआई रेड दिया गया। भ्रष्टाचार बताया कि सीबीआई ने अलग अलग आवासों में 9 से 12 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें सरकारी आवास में 9 घंटे और पैतृक आवास में 3 घंटे। सीबीआई को जो भी इस जांच से मिला उसे पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए। सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है, ऐसे में जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए। तिर्की ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसका समर्थन भी है, लेकिन खेल घोटाले मामले में सीबीआई को पहले ही रिपोर्ट दे दी गई है। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर कार्रवाई करना उचित नहीं है। ऊर्जा मित्र बिजली बिल सही नहीं दे रहे हैं, निगम में हुई शिकायत, कार्रवाई का आदेश। जिला के ऊर्जा मित्र सही से बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, बल्कि कुछ मामले में ऊर्जा मित्र की ओर से घर में ही बिल बना दिया जा रहा है। ऐसी शिकायत झारखंड बिजली वितरण निगम को मिली है। तुपुदाना निवासी राजेश कुमार सिंह ने मामले में शिकायत की है, जिसके बाद JBVNL की ओर से विद्युत आपूर्ति प्रमंडल उरना में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कार्रवाई का आदेश दिया गया है। निगम की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उक्त उपभोक्ता ने 26 मई को निगम को यह सूचना दी है कि ऊर्जा मित्र सही से मीटर रीडिंग नहीं कर रहे हैं। उपभोक्ता ने यह भी बताया है कि उन्हें आशंका है कि घर से ही ऊर्जा मित्र बिजली बिल बनाकर लाते हैं, जिसकी शिकायत राजेश सिंह ने बिलिंग एजेंसी के सुपरवाइजर को भी की थी, लेकिन एजेंसी ने उपभोक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किया। नक्सलियों के धमकी बेअसर, पश्चिमी सिंहभूम के 18 प्रखंडों में शांतिपूर्ण मतदान, जमकर वोटिंग। नक्सलियों की धमकी के बावजूद पश्चिमी सिंहभूम जिले के 18 प्रखंडों में पंचायत चुनाव के चतुर्थ चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हर जगह जमकर वोटिंग हुई। नक्सलियों की धमकी का वोटरों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। बुलेट पर बैलेट की तरह एक बार फिर जीत हुई। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पंचायत चुनाव से पूर्व नक्सलियों ने धमकाया था कि वोट नहीं देना है, लेकिन वोटरों ने उसकी बात नहीं मानी। बेकौब घरों से निकलकर बूथ पर लोगों ने पहुंचकर मतदान किया। झारखंड में सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना बढ़ने के बजाय घट गए लाभुक। सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना ऐसी योजना बन गई है जिसका लाभुकों की संख्या बढ़ने की बजाय लगातार घट रही है। ये योजना 26 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के मौके पर उपराजधानी दुमका में सीएम सपोर्ट पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी। उस वक्त रांची जिला में भी जनवरी माह में जबरदस्त उत्साह नजर आया। 15,361 लोगों का योजना लाभ मिला। इसके खाते में 2,500 रुपये की दर से कुल 38,40,250 रुपये भेजे गए। इसके बाद फरवरी में भी संख्या बढ़ने की बजाय 433 लाभुक घट गए। 14,918 में ही रजिस्ट्रेशन किया, जिसके बाद उनके खाते में 37,29,500 रुपये सब्सिडी की राशि भेजी गई, मगर तीसरे माह यानी मार्च में यह आंकड़ा 69% तक कम हो गया। महज 4,673 लोगों ने ही रजिस्ट्रेशन कर योजना का लाभ लिया। उनके बीच 11,68,250 रुपये सब्सिडी राशि का वितरण किया गया। अखिलेश पर जब बरसे लगे सीएम योगी आदित्यनाथ, लपेटे में ममता, उद्धव और केजरीवाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को जब सीएम योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो यह साफ था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देंगे। हुआ भी वही। 37 साल का रिकॉर्ड तोड़कर सत्ता में वापसी करने वाले योगी आदित्यनाथ ने जब विपक्ष और खासकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जवाब देना शुरू किया तो उन्होंने दिल्ली, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक निशाना साधा। लपेटे में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की सरकार भी आई। यूपी के मुख्यमंत्री ने चुनाव बाद हिंसा को लेकर यहां बंगाल का ब्यौरा पेश किया तो कोरोना महामारी से जंग में अपनी सरकार की सफलता बताने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के आंकड़ों का सहारा लिया। लद्दाख में बड़ा हादसा हुआ, 26 जवानों ले जा रही बस नदी में गिरी, 7 लोगों की मौत। लद्दाख के तुक सेक्टर में 26 जवानों को ले जा रही सेना का एक वाहन नदी में गिर गई। इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए, अन्य कई जवान घायल हैं। गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने को लेकर एयरफोर्स की मदद से पश्चिमी कमान भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि जवान प्रतापपुर से अग्रिम मोर्चे पर जा रहे थे, इसी दौरान वाहन फिसल कर श्योक नदी में गिर गया। पीएम मोदी बोले, सरकारी काम देखने के लिए ड्रोन भेज देता हूँ, किसी को पता चले बिना जानकारी मिल जाती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में कहा, आज सरकारी कामों की क्वालिटी को देखने के लिए मुझे पहले से बताने की जरूरत नहीं होती है। वो कल पीएम में मैं ड्रोन भेज दूँ तो वह जानकारी ले आता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि मुझे जानकारी मिल गई है। उन्होंने कहा, मैंने ड्रोन से ही केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का दिल्ली में किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। जो ऊर्जा नजर आ रही है वह भारत में ड्रोन सर्विस और ड्रोन आधारित इंडस्ट्री की लंबी छलांग का प्रतिबिंब है। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र ने जारी किए 324 करोड़, अब तक 30 लोगों को ही मौत। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए केंद्र ने SDRF से 324 करोड़ जारी किए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह राशि राहत और पुनर्वास के इस्तेमाल होगी। असम में बाढ़ व भूस्खलन की घटनाओं में अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के बाद इन तीन बीमारियों ने पूरी दुनिया में मचा रखा है तहलका। दुनिया पर बीमारियों का साया एक के बाद एक लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी थी और अब भी यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, वही अब तीन और नई बीमारियों ने दस्तक दे दी है, जिसे WHO की चिंता बढ़ गई है। यह तीन नई बीमारियाँ हैं मंकी पॉक्स, हेपेटाइटिस और टोमेटो फ्लू, जो कई देशों में अपने पाँव पसार रहे हैं। छठे वेतन आयोग के तहत मिलेगा पे स्केल का लाभ कर्मचारियों के लिए सरकार की बड़ी तैयारी, ड्राफ्ट हुआ तैयार। राज्य सरकार द्वारा NHM कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी दी जाएगी। दरअसल 6th पे कमीशन रेगुलर पे स्केल के लिए पॉलिसी का ड्राफ्ट को तैयार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। इससे पहले जांच के लिए इसे वित्त विभाग भेजा जाएगा। बता दें कि कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।